नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ट्रेंडिंग रील के बारे में। दोस्तों, पहले तो वाला वीडियो यहाँ पर देखिए। क्या लाइन थी इस तरह का एक रील अभी ट्रेंडिंग में चलता है। पहले एक जो है बंदा जो है डायलॉग मारता है, उसके बाद जो है वहां पर वीडियो चालू होता है। वहां पर जो है आपका खुद का वीडियो, आपके खुद के फोटो डालकर आप वीडियो एडिट कर सकते हो। अभी ट्रेंडिंग सॉन्ग भी चल रहा है और ट्रेंडिंग रील भी चल रही है, इस वजह से आपका वीडियो जो है वायरल होने की वहां पर चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इस पर वीडियो किस तरह से एडिट कर रहे हैं सब कुछ आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपको आगे भी देखने को मिलेगी, एक भी फेक वीडियो चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा। चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर जाकर मैं बताता हूँ। तो दोस्तों, साइड में स्क्रीन देख रही है, स्क्रीन को फॉलो करना है। तो दोस्तों, आज का वीडियो होगा वीएन ऐप में एडिट। वीएन एप्लीकेशन आपको सिंपली ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों, आपको कुछ मटेरियल लगने वाला है, जो कि मैंने डाउनलोडिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। पहले तो आपको क्या करना है समझना है। पहले तो दोस्तों, पहले प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, जो ट्रेंडिंग रील चल रही है डायलॉग की, उसका डाउनलोडिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है मैंने। वीडियो देखने के बाद उसको डाउनलोड करना है। चलिए किस तरह का है मैं पहले बता देता हूँ। तो ये देख सकते हो, इसको मैंने इंपोर्ट कर दिया, जो कि डाउनलोड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। भाई समझिए किस तरह से बनाना है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ किस तरह का वीडियो है। तो दोस्तों, क्या लाइन थी है, डबल बार वो बोलता है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक कट लगाना है। तो मैं धीरे से, ये देख सकते हो यहाँ पर एक फोटो दिख रही, इससे पहले का पार्ट हमें लेना है। तो जो फोटो वाला पार्ट है आप आगे देख रहे हो, ये वाला इसको डिलीट करना है। तो धीरे धीरे मैं जो है यहाँ पर पीछे पीछे लेता हूँ, जब तक उसका डायलॉग दिखाई देता है। तो जा रहा है, ये देख सकते हो अब उस बंदे का फेस आ चुका है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे स्प्लिट का ऑप्शन दिखने को मिल रहा है, ये देख सकते हो, इसको क्लिक करना है। इसके बाद ए वाले पार्ट को एक बार क्लिक करके डिलीट करना है। उसके बाद ये ब्लैक वाले पार्ट को भी एक बार क्लिक करना है और डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इतना समझ गए। उसके बाद दोस्तों, प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, वीडियोज और फोटोज के ऑप्शन पर क्लिक करना है। और यहाँ से आपको कोई वीडियो लेना है सैड वाला, या आप फोटो भी ले सकते हो। वीडियो यहाँ पर मेरा एक है, तो ये वाला वीडियो मैंने ऐड कर दिया, कुछ इस तरह का है। तो इस तरह का वीडियो आप देख सकते हो। इसके बाद इस वीडियो के ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, आप अपना वीडियो ले सकते हो, किसी भी तरह का वीडियो आप ले सकते हो। उसके बाद वॉल्यूम के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको कर देना है जीरो, क्योंकि हमें म्यूजिक डालना है बाद में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, इसके बाद आपको क्या करना है। तो दोस्तों, इसको स्लो मोशन में करना है, क्योंकि अगर स्लो मोशन में आपका पहले से वीडियो है तो ठीक है, नहीं तो इसको स्लो मोशन में कर दीजिए, क्योंकि एक अच्छा इफेक्ट यहाँ पर आएगा। उस सिंपल एक बार क्लिक करना है और स्पीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। बाद में कर्व बोल के आएगा, बाद में रेगुलर के ऑप्शन पर जाना है। इसको आपको 1/4x को ला कर रखना है। तो किस तरह से वीडियो दिखेगा ये देख सकते हो, स्लो मोशन में एक सैड सा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके बाद दोस्तों, आपको क्या करना है। उसके बाद दोस्तों, आपको म्यूजिक ऐड करना है, क्योंकि हमने म्यूजिक रिमूव किया है। म्यूजिक के ऑप्शन पर क्लिक करना है, म्यूजिक के ऑप्शन पर फिर से एक बार क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, माय म्यूजिक के ऑप्शन पर जाना है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो करना है। ओके, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो करना है आपको। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से देखिए, आप देखना है आपको। उसके बाद दोस्तों, जो वीडियो हमने स्टार्टिंग में लिया था, जो कि डाउनलोडिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, सेम वीडियो को आपको एक बार क्लिक करना है और सेव करना है। इससे क्या होगा कि आपका जो भी वीडियो था उसका जो है MP3 में कन्वर्ट हो जाएगा, म्यूजिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको मैं कुछ तो नाम देता हूँ, समझ में आए इसलिए। क्या लाइन थी। ओके ओके कर दिया और ये स्टेटस में डाल दिया मैंने। स्टेटस में जाना है फिर से, क्या लाइन थी ये यूज करना है, यूज के ऑप्शन पर क्लिक करोगे राइट करना है। तो इस तरीके से आपका म्यूजिक आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों, फिर से आपको इस वाले वीडियो के ऑप्शन पर क्लिक करना है पहले, और इसका भी वैल्यूम जीरो कर देना है। ओके, क्योंकि ऊपर भी हमने म्यूजिक डाला है, इस वीडियो को भी म्यूजिक लगेगा तो डबल हो जाएगा म्यूजिक, तो अच्छे से सुनाई नहीं देगा। अब देखिए आप, ओके इस तरीके से आ चुका है। उसके बाद दोस्तों, इस पर टेक्स्ट डालने हैं हमें, किस तरह से टेक्स्ट आ रहे हैं उस तरीके से लिरिक्स डालने। फिर से दोस्तों, आपको क्या करना है, यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, सेकंड पार्ट के ऑप्शन पर, सेकंड आप देख सकते हो नीचे सेकंड, जो कि लेयर्स लेना है। इस वीडियोज के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर एक और एक डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, उसको डाउनलोड करना है। तो ये किया मैंने, डाउनलोड किया है।
उसके बाद दोस्तों किस तरह का वीडियो है मैं दिखाता हूँ आपको, इसको जूम करके लेना इस तरीके से। तो जब जब मैं हद से आगे बढ़ गया था इसके लिरिक्स से, ये देख सकते हो आप यहाँ पर लिरिक्स चालू हो रहे हैं, तो इसको स्प्लिट करके ये वाला पार्ट आपको डिलीट करना है। तो ये देख सकते हो आप, ओके इस तरह का है। तो इसका म्यूजिक आपको कर देना है जीरो, ओके। उसके बाद दोस्तों जीरो कर दिया, लेयर वाला ऑप्शन का म्यूजिक मैंने जीरो कर दिया। उसके बाद दोस्तों इस लेयर के ऑप्शन पर आना है और यहाँ पर आ जाना है आपको क्रोमा की ऑप्शन में। क्रोमा की ऑप्शन आपको नीचे देखने को मिलेगा, एक बार इस लेयर को क्लिक करके उसके बाद क्रोमा की ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसको ब्लैक के ऑप्शन पर आकर रख देना है और इसको थोड़ा बढ़ा देना है और राइट कर देना है। तो आप देखिए कैसे दिखता है। तो ये देख सकते हो उस तरीके से लिरिक्स आ रहे हैं, जहां पर आपको एडजस्ट करना वहां पर कर सकते हो। और इस वीडियो के ऑप्शन पर एक बार क्लिक करके आप यहां पर इफेक्ट मिलेंगे, आपको फिल्टर्स मिलेंगे, तो ढेर सारे फिल्टर्स हैं यहाँ पर, आपके हिसाब से आप डाल सकते हो। अब देखिए वीडियो किस तरह से हो चुका है मेरा। तो इस तरीके से बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एंड में आ जाना है और सभी पार्ट का एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट करना है। तो इस तरीके से वीडियो हो जाएगा आपका एडिट। उसके बाद एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपका वीडियो गैलरी में सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से आप इंस्टाग्राम के रील पर अपलोड कर सकते हो। थोड़ा सा भी अगर हेल्पफुल लगा वीडियो, बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया, तो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस तरीके और भी ट्रेंडिंग जो भी रील्स आएंगी उसकी वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।